अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आईटी सेक्टर की एक मल्टी बैगर कंपनी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मल्टी बैगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कंपनी दिन ब दिन अपना बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है, और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कंपनी अपने बिज़नेस को बढ़ा रही होती है तो फ्यूचर में उसकी प्राइस जो है वो डेफिनेटली ग्रो करती है। और आप हमेशा स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट तब कमाते हैं जब आप कोई भी स्टॉक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत में ख़रीद लेते हैं। जब आपने ख़रीद लिया तो आपने उसी वक्त प्रॉफिट कमा लिया। तो ये मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपको, कि आप कोई भी शेयर अगर फेयर वैल्यू से कम कीमत में ख़रीद रहे होते हैं तो आप फ्यूचर में गारंटेड प्रॉफिट बना रहे होते हैं। तो व्यूवर्स, एक मल्टी बैगर कंपनी जो हर साल बाकायदगी से बोनस शेयर देती है और साथ में कुछ ना कुछ डिविडेंड भी देती है, और मैं बात करूँ तो बोनस शेयर इस कंपनी ने 2019 से लेकर 2023 तक 120% बोनस शेयर दिए इस कंपनी ने, और आज भी इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल है और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। तो ये कंपनी किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकती है फ्यूचर में, और बोनस शेयर से आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि बोनस शेयर देने वाली कंपनी जो है वो डिविडेंड से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती हैं, क्योंकि बोनस शेयर जो है वो एक मैजिक का काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, और कंपाउंडिंग की मदद से ऑटोमेटिक आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही होती है। तो एक ऐसी कंपनी जो साथ में डिविडेंड भी देती है और साथ साथ बोनस शेयर भी देती है, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ यह है एवेंशियन लिमिटेड। एवेंशियन लिमिटेड आईटी सेक्टर की तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी है, और मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हमेशा से है। उसकी वजह यह है कि इस स्टॉक ने मुझे हमेशा से प्रॉफिट दिया है, और बोनस शेयर की मद में मुझे इतना प्रॉफिट दिया है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो एवेंशियन की वो डबल हो गई है। तो आज की वीडियो में मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि एवेंशियन लिमिटेड आपको क्या फ़ायदा दे सकता है और किस तरह से आपने इसमें काम करना है। शॉर्ट टर्म में कितना फ़ायदा देगा आने वाले दिनों में ये शेयर आपको, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को तेज़ी से फॉलो करता है एवेंशियन लिमिटेड। तो व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंशियन लिमिटेड की करंट प्राइस की। करंट प्राइस इस वक्त ये 51 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है, और इसने अपनी बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस कर दी है, जो कि 6 अप्रैल 2024 को होने जा रही है। अब बोर्ड मीटिंग में हर साल ये अच्छा डिविडेंड और बोनस शेयर अनाउंस करती है कंपनी, और अप्रैल में इसकी जो बोर्ड मीटिंग होती है इसमें ये अपना ईयरली क्लोजिंग का रिजल्ट अनाउंस करती है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छा बोनस और साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस करे कंपनी, तो एक अच्छा मौका है इसमें एंट्री लेने का और इसको एक्युमुलेट करने का। शॉर्ट टर्म में आपको ये इजीली 7 से 8 रुपए का गेन दे सकता है, और ऑलमोस्ट ये 60 का लेवल क्रॉस कर सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट आपको बहुत आगे लेके जाएगी, और 70,000 का जब लेवल मार्केट क्रॉस करेगी तो ये मार्केट को ट्रेंड को फॉलो करने वाला शेयर है, और मार्केट के साथ साथ ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो एवेंशियन लिमिटेड बेहतरीन टाइम है इसको बाई करने का, जो लोग जिनके पास है इसको होल्ड रखें, और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है एवेंशियन को ख़रीदने का। मार्केट कैप इसकी 20 बिलियन की है, और EPS 3 quarter का है, 2023 में 3.65 इसका EPS है। अब 4th quarter की इसकी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है 6 अप्रैल को, तो होपफुली कि इसकी अर्निंग भी अच्छी होगी लास्ट ईयर के मुकाबले में, और अच्छा डिविडेंड और बोनस भी देगा। बुक वैल्यू की बात करूँ तो इसकी 42 बुक वैल्यू है, और ईयरली डिविडेंड ये हर साल बोनस के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस करता है कंपनी। तो अप्रैल का महीना इसका बोनस और डिविडेंड देने वाला महीना है, तो अच्छी होप रखें और इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा देगा ये अप्रैल के मंथ में ये स्टॉक आपको। हिस्ट्री का इसका 145.40 है, जो कि 2021 में इसने बनाया था, और कंपनी मुसलसल अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है। इनका जो बिज़नेस है वो यूरोप और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है। और एवेंशियन मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जो मुस्तकबिल में मल्टी बैगर बन सकती है, क्योंकि इस वक्त जो इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस तकरीबन 100 रुपीज़ से अबव होनी चाहिए थी, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो मुसलसल हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस में रही है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आधी से भी कम कीमत में आ गया है। तो इतनी अच्छी बोनस शेयर और डिविडेंड देने वाली कंपनी एवेंशियन लिमिटेड, और तेज़ी से ऊपर जाती है ये शेयर जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है।
तो एवेंचर लिमिटेड को ख़रीदने का एक बेहतरीन मौका है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये अच्छा डिविडेंड और बोनस शेयर देने जा रही है कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में जो 6 अप्रैल को होने जा रही है। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइमली अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको एडवाइस करूं ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज की वीडियो में मैंने एवेंचर लिमिटेड को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।